नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया और इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को डेरा मुखी राम रहीम सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बता दें कि सभी दोषियों को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। शुक्रवार को मामले में आरोपी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। वहीं आरोपी अवतार, जसवीर और सबदिल प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए थे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने इस मामले में पहले फैसले 26 अगस्त को सुनाने का फैसला किया था, लेकिन अभियोजन पक्ष के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि 19 साल पुराने इस मामले में बीते 12 अगस्त को बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। सीबीआई जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत में करीब 2.5 घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण के मामले में पहले ही 20 साल की सजा हो चुकी है और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में वो उम्र कैद की सजा सुनारिया जेल में काट रहा है।